नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मिशन 2019 में अपनी पार्टी की विजय पताका फहराने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। रैलियों के माध्यम से लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मानो अपना अपना अस्तित्व बचाने की जंग छिड़ चुकी। एक मजबूत गठबंधन के जरिए विपक्षी पार्टियां जहां सत्ता में बैठी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रही हैं, तो बीजेपी इसे ठक बंधन का दर्जा देकर लोगों को इनके बहकावे में न आने की सलाह दे रहे हैं। 3 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार रैलियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों को कराना चाहते हैं, तो ये मजबूत गठबंधन की बात करने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। बिहार में करीब 28 साल के बाद रैली के जरिए राहुल गांधी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सामने अड़चन ये है कि रैलियों के मंच पर धुर विरोधी दलों के नेता एक साथ मंच पर दिखाई तो देते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे तक ये मित्रता बनी रहेगी, इसको लेकर सस्पेंस है। यूपी में जहां कांग्रेस से परहेज करते हुए सपा बसपा एक साथ आकर बीजेपी को धूल चटाना चाहते हैं, वहीं ममता अपने गढ़ में किसी भी दूसरे दल को मजबूत होते नहीं देखना चाहते, जबकि बीजेपी की रैलियों में ममता बनर्जी का अड़ंगा लगाना उनके डर को भी दर्शाता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बीजेपी तो चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जी जान से जुटी, बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूती देकर 2014 के इतिहास को वो दोहराना चाहते, तो वही बीजेपी से डरी विपक्षी पार्टियां उससे सत्ता से हटाने के लिए साथ तो आना चाहते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई खाका नजर नहीं आता। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के मुकाबले विपक्षी तैयारी क्या है। जिस एकजुटता के साथ वो मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं, वो क्या इतना आसान होने वाला है, और क्या विपक्ष का ये बिखराव बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। चुनावी डुगडुगी बजने से पहले ही सियासी दलों में संग्राम जारी है। चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां एक दूसरे को तेजाबी बयान से जख्मी कर रहे हैं। 30 साल के बाद कांग्रेस ने बिहार में रैली बुलाई तो मंच पर मौजूद सभी नेताओं के निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों के मुद्दे पर मोदी को सभी कोसते दिखाई दिए, तो राहुल राफेल मुद्दे पर रफ्तार देने में भी जुटे रहे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बीजेपी की रैली पर रोक लगाकर ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में बीजेपी को रोकेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता डरी हैं और इसीलिए वो नहीं चाहती कि यहाँ पर बीजेपी की कोई रैली हो पाए। फिलहाल चुनावी मौसम में जिसको जितना बन रहा है, जिस तरह से बन रहा है, अपना दम दिखाने की पूरी कोशिश में जुटा है। देश में चुनावी माहौल गर्म है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी दोबारा सत्ता का स्वाद चखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो कांग्रेस 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बुलंद हौसले के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में जोश दिख रहा है, शायद कांग्रेस में वैसे जोश की कमी है। कांग्रेस ने 30 साल के बाद बिहार में रैली बुलाई ताकि मोदी को कड़ी टक्कर दे सके, लेकिन तैयारियां देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करने वाली है। मोदी को हराने के लिए विपक्षी दल एकता की बात तो करते हैं, लेकिन गठबंधन में हर जगह कोई न कोई गांठ जरूर दिख जाती है। पटना के गांधी मैदान में भीड़ तो जुटी, लेकिन राहुल को छोड़ कांग्रेस के बड़े नेताओं में वो उत्साह नहीं दिखा जैसे मजबूत मोदी को चुनावी महाभारत में मात दी जा सके। हालांकि राहुल गांधी ने मोदी को हर मोर्चे पर विफल बताया, बजट पर मोदी सरकार को घेरा और राफेल मुद्दे को एक बार फिर रफ्तार दी। राहुल गांधी मोदी पर जमकर गरजे, लेकिन ये गरज वोटों की बारिश में तब्दील होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। कांग्रेस के मंच पर एक साथ दिखने वाले सीट शेयरिंग के साथ रहेंगे या नहीं, क्योंकि इस पर अभी भी सस्पेंस है। 3 राज्य जीतने के बाद कांग्रेस को जो संजीवनी मिली, उसके बाद भी कांग्रेस की तैयारी कुछ अधूरी दिखाई देती है। हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए, किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने नेताओं का नाम ही भूल रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी राहुल विश्वेश्वरैया बोलने में अटके थे, या यूं कहें
कि लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बोल पाए थे, वहीं बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में मजबूत ममता भी बीजेपी से डरी हुई है। अपने दम पर बंगाल जीतने का दावा करने वाली ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं की रैली में अड़ंगा लगा रही हैं। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता जब भी बंगाल में रैली करना चाहता है तो ममता कोई ना कोई अड़ंगा लगा देती हैं। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद जाकर ममता मानी। अब योगी आदित्यनाथ को रैली की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। आज मेरी दो सभा बाबुरघाट और रायगंज में थी। इन दोनों सभाओं में हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन वहां की सरकार ने नहीं दी और तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ा करने का प्रयास किया। यानी ये बंगाल के अंदर व्याप्त अराजकता, व्याप्त दुर्व्यवस्था, सरकार की अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। सवाल है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों बीजेपी नेताओं को रैली करने से रोक रही हैं? इसका जवाब तो ममता ही देंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब शनिवार को ठाकुर नगर की रैली में जुटी भीड़ को उन्होंने देखा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। भारी भीड़ से उत्साहित मोदी ने कहा कि अब समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतारू है। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ममता डरी है नहीं, लेकिन जिस तरह से रैली को इजाजत नहीं दी जा रही उससे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ममता ऐसा कर क्यों रही हैं। अब सवाल है कि क्या विपक्ष सच में डरा हुआ है? क्या विपक्ष में वो दमखम है जो मोदी को रोकने के लिए होना चाहिए, या विपक्ष में जोश की कमी है? क्या बीजेपी के मुकाबले विपक्ष की तैयारी अधूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो बीजेपी बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूती देकर 2014 के इतिहास को दोहराना चाहती है, तो वहीं बीजेपी से डरी विपक्षी पार्टियां उससे सत्ता से हटाने के लिए साफ तो आना चाहती हैं, लेकिन अब तक इसका कोई खाका नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले विपक्षी क्या तैयारी है और जिस एकजुटता के साथ वो मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं वो क्या इतना आसान होने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा जी मौजूद हैं। लखनऊ से दो खास मेहमान हैं, मनोज यादव जी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और अब से कुछ ही देर बाद विजेंद्र प्रताप सोलंकी हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अजय वर्मा जी आपसे। जी, चुनावी महाभारत तो शुरू हो गई, तैयारी कितनी पुख्ता है? सबसे पहले तो अक्षय जी मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक आम आवाज है देश की सरकार के खिलाफ कि सरकार हिंदुस्तान के हर उस मुद्दे को जो 14 में वादा किया था वो तो भुला ही चुकी थी, और अब जो नए मुद्दे बजट में लॉलीपॉप दिया है इन्होंने उसको भी क्रियान्वित करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स की छूट को कहा कि 20 और 21 में लागू होगी, 19 और 20 से कोई उसका कनेक्शन नहीं होगा। अरे भाई, आप में दम है और 56 इंच का सीना है तो आप ऐसे इसी बजट को इसी से लागू करते हो 19-20 के लिए? एक नंबर। दूसरा नंबर, जो किसानों को मीठा वाला लॉलीपॉप चुसाया गया है कि इतने हेक्टेयर का किसान 6,000 रुपए हम उसको देंगे, और अगर प्रति बीघा देखा जाए तो इतने पैसे में तो प्रति बीघे का उसका कुछ भी चीज नहीं आएगी, लेकिन वो भी उसका भी एक वादा कर दिया है। इस तरह की पूरे मुद्दे की सालों भर सारे चारों पांचों साल आपने देखा क्या क्या करती रही गई। फाइनली यह आ गया कि अब लोकसभा के चुनाव आ गए, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव है। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के 20-22 स्टेटों में अपने अकेले दमकर पर हम बूथ लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों से राय ले रहे हैं, हम छोटे व्यापारियों से, छोटे किसान से, नवयुवक बेरोजगार से, उन महिलाओं से, उन लोगों से जिनको जिनका रोजगार खत्म हो गया है, उन लोगों से जिनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, वो फीडबैक
कि हम किस तरह के अपने कैंडिडेट इस आने वाले कल में उतारें जिससे डायरेक्ट आपको हमारा कनेक्शन रहे और आप इस बदहवासी के हालात से, इस अघोषित तानाशाही और अघोषित कर्फ्यू के हालात से निजात पाने में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आपने कहा कि तकरीबन देश के 22 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव 20 से 22 राज्यों में, बाकी में हम लोग गठबंधन के साथ अपने सामाजिक विचारधारा के साथ और हम अपने उन लोगों के साथ उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जो इस सरकार ने पिछले पौने मास साल में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जन लोकपाल का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, काले धन का मुद्दा हो, विदेशों में घूम अपना व्यापार लाने का मुद्दा हो और हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है आर्थिक असमानता वाली उसका मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, महिलाओं के किचन का मुद्दा हो, किसानों के खेतकार किसानों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा हो, हम इन सब मुद्दों पर आने वाले कल में जनता के बीच जाकर जनता के साथ संवाद में जुड़कर इसी उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ेंगे, हम मंदिर मस्जिद पर नहीं लड़ेंगे, हम सांप्रदायिक माहौल खराब करने में लड़ेंगे ना हम इसका समर्थन करेंगे। हाँ, विरोध हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हम करेंगे। मनोज यादव जी, जिस महागठबंधन के साकार होने का अब से कुछ वक्त पहले तक दम भरा जा रहा था, हालांकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक मजबूत गठबंधन किया है, क्या महागठबंधन की हवा निकल गई क्या? देखिए अक्षय जी, ये कहना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है आपकी तरफ से। हम आश्वासित कर सकते हैं कि समाजवादी हमेशा साथ के चलने में विश्वास रखते हैं। आपको मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकता हूं और वो ये प्रॉमिस है कि बीजेपी को जो बीजेपी की जो हार होगी वो समाजवादियों के हाथ से होगी, वो फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे वो आपका कर्नाटक हो, जहां भी समाजवादी लोग हैं वो इनको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि हवा तो निकलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच की जो छाती वाला ऐलान था उसकी हवा निकल जाएगी और वो पूरी रात की गोद में कहीं ना कहीं दुबक के बैठता हुआ नजर आएगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार फिर क्या माने कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से ही हो सकता है? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी थी भारत एक खोज, और 2019 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री एक खोज जैसा कोई मुद्दा होता तो निश्चित तौर पे उसको पहले हम लोग जनता को दे देते कि भैया काहे पीएम खोज एक मुद्दा बने, और हम पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस, किसान, रोजगार, बेरोजगार, नौजवान, सैनिक, किसी के मन में ये नहीं है कि भैया कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो। सर ये कह रहा है कि इस देश से ये आशाताई सरकार जानी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खा लिया और किस तरीके से नियम कानून ला रहे हैं कि हमारे देश का पिछड़ा वर्ग नौकरी से अलग होता जा रहा है, दलितों के हक पे ये लगातार हक मांगती जा रही है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊं, पैसे का क्या हाल है? पैसा इस देश का आम आदमी का, जो आम जनमानस को नहीं पता था, लेकिन सरकार को तो भरपाई बैंकों की करनी पड़ेगी ना, बैंक कंगाल हो जाएंगे इस तरह देश का पैसा चला गया। आपने मेरे सवाल का मानो जी जवाब दे दिया। मेरा सवाल ये था कि फिर ये माने आपने कहा कि बीजेपी की हार के लिए कारण सपा और बसपा का गठबंधन होगा, तो फिर ये माने जाए कि प्रधानमंत्री तय करने का अधिकार आप लोगों के पास होगा अगर ऐसी स्थिति होती है तो? देखिए अक्षय जी, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकता हूँ और सर मेरे ख्याल से आप समझ भी जाएंगे। 2019 का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये समाजवादी लोग तय करेंगे। समाजवादी से अभिप्राय उत्तर प्रदेश से नहीं है, समाजवादी से अभिप्राय जो हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग हैं और जो भी प्रदेश में जितना ताकतवर है वो तय करेंगे कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। चलिए, ये तो आपने गोलमोल तरीके से जवाब घुमा दिया ना कि देश भर के समाजवादी पार्टी, क्योंकि ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में, इसलिए मेरा सवाल ये था कि आप इस लिहाज से जवाब दे पाएंगे। मेरे साथ विजेंद्र प्रताप सोलंकी भी जुड़ गए हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। गठबंधन से डर लगता है? पहले तो पहली मुलाकात आपसे, धन्यवाद अक्षय जी। 2-3 बार आना हुआ है आपके स्टूडियो में जी। डर जैसी तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई आपसी बंटवारा नहीं है, कोई जमीन जायदाद का कि जो डर लगे, और सत्ता के डर जैसे शब्द का तो इस्तेमाल करना भी मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
कि पूरी जनता, पूरा देश ठीक से देख रहा है, समझ रहा है, जानना है कि आज देश की विकास की वजह से स्थिति परिस्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की जो इतने लंबे समय से उपेक्षा चली आ रही थी, उसमें भी आज 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया है मोदी साहब ने और या शिलान्यास किया है। और एक तारीफ, वहां ये चर्चा का विषय था स्थल पर कि मोदी जी जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं, ऐसी आशाएं भी वहां की जनता और पब्लिक चिल्ला रही थी। रहा मैं किसानों, हमारे साथ ही किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के बारे में एक दो बात मैं आपको कहना चाहूंगा जी। कि किसानों के बारे में कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, उसने बहुत पहले, वर्षों पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जब तक सरकार गई है कांग्रेस की, यूपीए की, तब तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, ऐसी जगह के निकालना भी बड़ा कठिन था। हमारी सरकार आई, माननीय मोदी जी ने उसको लागू किया, और लागू करने के बाद आप देखिए, स्वयं, अगर साथियों को याद हो, आपको तो खैर याद होगा ही होगा, कि स्वयं स्वामीनाथन जी ने ये अप्रिशिएट किया कि भाई ये सरकार आई है जिसने उस पर अमल किया। नहीं, ये बात स्वयं स्वीकार किया नंबर एक, स्वामीनाथन जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये कदम उठाए गए किसानों की बेहतरी के लिए बेहतर है। फिर आखिर क्या वजह है कि सरकार को इस बजट में, जो कि अंतरिम बजट था, ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा बजट दे दिया, और वजह क्या थी कि किसानों को आपको ये कहना पड़ा कि अब हम 6,000 रुपए एक साल का देंगे? देखिए देखिए अक्षय जी, पिछली सरकारों ने इतने लंबे अरसे से किसानों को 1 रुपए की राहत नहीं दी। 5 साल 10 साल में चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी की घोषणा करते थे, वो कर्ज भी बमुश्किल 100 में से 10-20-30 लोगों का हो पाता। यूपी में आपकी सरकार ने भी तो की थी। हाँ, यूपी में, सर, हमारी यूपी में सरकार ने कर्ज माफ किया। आप देखिए कर्ज की स्थिति, वहां की जो आंकड़े हैं उन्हें देखिए आप, 100% जो कहा था उस पर अमल किया और भुगतान कर दिया गया सीधा उनके खाते में। नहीं, फिर कोई बिचौलिया नहीं, चेक भी सामने, कोई बिचौलिया नहीं, 35 रुपए 40 रुपए 2 रुपए 50 रुपए, ये हमने विपक्षी पार्टियां, मनोज यादव जी की पार्टी है, ये इनकी अजय वर्मा जी की पार्टी है, ये तो ये कह रहे हैं कि छलावा कर दिया। ये सपा और बसपा अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं, बाकी जैसे घोषणा की थी उसी हिसाब से वो बजट में कटौती की गई। नहीं तो संसाधन जुटाए गए, वो ऐलान करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, आप भी तो ये वादा करते हैं, फिर छलावे की बात कहां जाती है? या तो दोनों पक्ष छलावा कर रहे हैं कर्ज माफी के नाम पर। हमने कर्ज माफी का जो वायदा किया था उसको पूरा किया और अक्षर से किया है। कर्नाटक में ये लोग नहीं कर पाए, आप देखिए आंकड़े मंगवा लीजिए, उठवा लीजिए, अगर मैं कुछ बोलूंगा साथी लोग कुछ बोलेंगे, आप भी कुछ ना कुछ कहेंगे, आप आंकड़े मंगवा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने राजस्थान की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, आज तक उसमें 0 से ज़र्ब नहीं किया। आज इतने लंबे अरसे के बाद क्या किसानों को 1 रुपया? आज राहुल जी 17 रुपए 17 रुपए गा रहे हैं, कभी 98-94-91 कभी देने का प्रयास किया उनके खाते में? आपको याद होगा प्रधानमंत्री उनके पिता श्रीमान खुद ये कहते थे कि हाँ हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे तक पहुंच पाता है। कहां जाता था वो पैसा और क्यों नहीं रोका गया आज की डेट में? अगर वो ये प्रधानमंत्री के पद पर, हाँ 100% पारदर्शिता, जनता इसका आकलन करेगी। हालांकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो तैयारियों को लेकर है, मिशन 2019 को लेकर, क्योंकि सरकार के कामकाज का हिसाब और उसका बही खाता आम जनता तो अब तैयार कर चुकी है। वो खुश होती है या फिर नाखुश होती है ये तो जब वोट का वो इस्तेमाल करेगी उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे वो बताएंगे। लेकिन मौजूदा तैयारियों की जो हम बात कर रहे हैं विजय उपाध्याय जी, दोनों पक्ष कौन किस पर भारी और किसकी क्या तैयारी आपको दिखाई दे रही है आज की तारीख में? देखिए तैयारी के मामले में तो बीजेपी बहुत आगे खड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गठबंधन और कांग्रेस भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन संगठन में जो तेजी भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाए हुए है उससे ये लोग अभी पीछे हैं। मुझे लगता है कि एक तो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा उसका इक्वेशन
उनको लगता है ठीक है, चूंकि दो चुनाव में लगातार 14 और 17 में 42% वोट मिले उनको और साथ में नगर निगम के चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो इस हिसाब से ये माना जा सकता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी को जो चुनौती देने की बात है वो साबित करना होगा। जब लोकसभा के रिजल्ट आएंगे उस समय ये साबित करना होगा कि अपोजिशन के पास बहुत ज्यादा ताकत आई, गठबंधन कितनी सीटें जीतती हैं उस समय तय होगा। लेकिन मोटे तौर पर जिस दिन उत्तर प्रदेश में 2017 मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, मुझे लगता है उसी हफ्ते से, मार्च का वो तीसरा चौथा हफ्ता 19 मार्च को सरकार बनी है और उसके बाद से ही इन्होंने मेरा घर भाजपा का घर इस टाइप के कुछ अभियान इन्होंने शुरू किए, उसके बाद बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और न जाने क्या क्या कितने तरीके से इन्होंने अपने कार्यक्रम ये चलाए हुए हैं। अब आप देखिए जब सारी पार्टियां अभी मुद्दे तय कर रही हैं, सीटें तय कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ अपने बूथ अध्यक्षों की मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कानपुर में किया, लखनऊ में कर लिया, अमरोहा में कर लिया, देहरादून में कर लिया, अभी फरवरी में उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में करना है, तो लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और संगठन लगातार सक्रिय है, सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, अन्य दलों के मुकाबले वो बूथ लेवल तक अपनी मजबूती बढ़ाने का प्रयास कर रही है और विपक्ष अभी मुद्दों पर ही लटका हुआ है। लेकिन जिन 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें खासतौर पर 3 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं जिन्हें हिंदी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, वहां की हार क्या संदेश देती? देखिए वहां की हार में ही संदेश छिपा है। हार वहां की जो सम्मानजनक हार बीजेपी की हुई है वो महत्वपूर्ण है, नोटिसेबल वो मुद्दा है। देखिए कांग्रेस को तो वहां थंपिंग मेजोरिटी से जीतना चाहिए था जैसे छत्तीसगढ़ में जीती है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जैसी जीत कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई है तो उसको कैलकुलेट करना चाहिए कांग्रेस को भी और अपोजिशन को भी कि अब हम किस तरीके की रणनीति बनाएं कि छत्तीसगढ़ जैसी हार हम दे सकें। और अगर छत्तीसगढ़ जैसी हार बीजेपी की हुई होती बाकी 2 राज्यों में तो मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव बात होती है और ये कहने में ज्यादा मजा आता कि बीजेपी ये बहुत कमजोर हुई है। देखिए इसमें ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जितनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के चुनाव में हुई थी, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, सिर्फ 3 उनके विधायक जीत के आए और बाकी सारे के सारे आम आदमी पार्टी के जीत गए। बिहार में बुरी तरह हारी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद उनके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की, त्रिपुरा में जाके जीत गए, तो उनका मनोबल बना हुआ। देखिए मनोबल टूटने वाली हार नहीं है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जिस तरीके से देखिए जैसे कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई मनोबल टूटने वाली हार नहीं है, कसक रहने वाली हार है कि थोड़ी सी कसक रह गई, थोड़ी सी मेहनत और की होती या थोड़ा जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत और जोरदार होती, 2-4 हजार वोट इधर से उधर हो गए होते अंतिम क्षणों में तो वो चुनाव जीत जाते, तो ये कसक वाली हार है और यही जो ये जो मजबूत हार है ना यही करने के लिए ज्यादा जरूरी है। उपाध्याय जी की खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस जीती नहीं है, बीजेपी हारी है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस बड़ा उलट फिर करने में कामयाब रही है, लेकिन मनोज यादव जी जिन तैयारियों में कमी की बात अभी विजय उपाध्याय जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोगों के मुकाबले बीजेपी की जो तैयारी है वो कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आती है, आपको क्या लग रहा है कि कहां पर कमी छूट जा रही? देखिए बीजेपी की महत्वपूर्ण रूप से अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूं उत्तर प्रदेश की तो उसमें एक बात साफ नजर आती है कि बीजेपी लगातार हर बूथ को मजबूत करने में लगी है, लेकिन क्या लगी है? क्या विपक्ष में थे कि वो मजबूत करने पे लगे हुए हैं? आप सत्ता में थे, जिस बूथ पे जाएंगे वोट मांगने, जिस गांव में आप पहुंचेंगे वोट मांगने, तो 5 साल के कार्यों का और 2 साल की उत्तर प्रदेश की सरकारों का विश्लेषण करेगा कि आपने साहब कितना काम किया है और पूर्व के किए गए वादों को आपने कितना पूरा किया है। अगर विजय जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमति रखूं तो कसक तो आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर है वो आपको 80 में से 80 सीट हराने के लिए यादव जी फिर ये गठबंधन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? आम जनता इन सब चीजों से बहुत इत्तेफाक रखती है कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल है, फिर तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि अगर मजबूत गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है, ये आपको नहीं लगता कि संदेश कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता है जनता के बीच में? देखिए 3 पार्टियों का गठबंधन है अब तक, आरएलडी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य
और बिहार में भी उम्मीद कम बेसी ऐसी रहेगी कि समाजवादी पार्टी बसपा भी वहां के गठबंधन को सपोर्ट करेगी, इसमें दो राय नहीं। इन दो प्रदेशों से जहां से अच्छे जी लगभग 120 सीटों पर खेल है, इन सीटों पे इतना मैं दावे से आपको बता रहा हूं कि इनको हम 10 सीट नहीं जीतने देंगे, 120 में 10 नहीं जीतने देंगे। हाँ। और 11वीं की हम बात नहीं करेंगे, अगर 10 ये जीत लेते हैं तो जीत ले इनका गठबंधन, जीत ले चाहे उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें जीत पाएंगे कुछ आप लोगों ने आकलन किया होगा? सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में आपको बता रहा हूँ, 80 में से कम हम 75 सीटें जीतेंगे, 75 सीटें इनके हिस्से में जा सकती है, और जो कांग्रेस उसमें जीतना चाहे 5 में वो जीतना चाहे जीत ले। इसके अलावा हाँ। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि अब की बार 400 पार, ये हवा नहीं है। हाँ। इसका परिणाम आएगा, गोरखपुर से भी हमने यही कहा था, फूलपुर से भी पहले यही कहा था, और कैराना और नूरपुर के चुनाव क्षेत्र भी सर, लेकिन उससे पहले 2017 में ये भी कहा था ना आप लोगों ने कि हमारा काम बोलता है, लेकिन चुनाव के नतीजों में वो काम नहीं बोला, और इसीलिए हम ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि रणनीति जब पुख्ता होती है पार्टियों की, जब तैयारी पुख्ता होती है तब रिजल्ट बेहतरी की उम्मीद की जाती है। अच्छे जी वो वाला चुनाव हमने डेवलपमेंट पे लड़ा था। हाँ। ये चुनाव चले, यानी इस बार साम दाम दंड भेद आप क्लियर कह रहे हैं ना कि हम हर तरह से चुनाव लड़ेंगे। वर्मा जी बिल्कुल, 5 सीटें छोड़ी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, कह रहे हैं हम 10 पर भी नहीं आने देंगे, 5 सीटें कांग्रेस के लिए। अच्छा देखिए, सरकार जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी कह रहे थे ना कि और पार्टी तो अभी सीट बंटवारे में लगी है, अपनी रणनीति में लगी है, सरकार ताबड़तोड़ रैली कर रही है। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक सिस्टम में जी। इनकी सरकार है, इनके पास साधन है, इनके पास संसाधन है, और उस पैसे का दुरुपयोग, जनता के टैक्स के पैसे का, ये आरोप तो पहले भी लगता रहा है, दुरुपयोग सरकार के प्रधानमंत्री, सरकार के दुरुपयोग करती है सरकारें, जो सरकार के मंत्री और सरकार के प्रधानमंत्री, मैं आपके बीच नहीं बोला था, प्लीज आप बोल लीजिए, बुजुर्ग है हमारे, वो सरकार जो है उस पैसे का मिसयूज, जो जनता के खून कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिसको बढ़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करोगे नहीं, आपके गृह मंत्री गाय खाते हैं और गाय के नाम पर टैक्स लगा दिया गया, और जनता से आम गरीब से, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, इनके पास तो ईवीएम भी है, इनके पास संसाधन भी है, इनके पास सरकारी पैसा भी है, जहां पर जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां भैया हमें तो इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और रहा सवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और 5 इलेक्शन का, तो आप ये देखिए कि हम लोग जीत मजबूती से जीते यूपी में हैं। कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगा इस पर अगर आप जवाब दे पाए। नहीं, नहीं, जीत हम मजबूती से जीतेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार 2 थी, इस बार कितनी? हम लोग देश में सरकार बनाने जा रहे हैं, और बीजेपी को और इनके गठबंधन को 100 से 130 के बीच, आपको अभी मैं इसके बाद मौका दीजिए, 2 मिनट में चले, बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। बात कर रहे हैं 2019 के चुनावी घमासान की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है, जहां गठबंधन के जरिए बीजेपी को शिकस्त देने का दम भरा जा रहा था, वहीं अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 22 राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाने में जरूर कामयाब होंगे। हालांकि बीजेपी बूथ लेवल तक अपनी मजबूती की बात कर रही है और 2014 के इतिहास को एक बार फिर दोहराने का दावा भी किया जा रहा है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में किसकी कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी? सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं सोलंकी साहब आपके पास आऊंगा। विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बजट को लेकर सवाल उठा रही हैं कि बीजेपी को डर था इसीलिए चुनावी वर्ष में इस तरह की तमाम घोषणाएं करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं था। देखिए, जहां तक बजट का प्रश्न है, बजट की पूरा देश भूर भूर प्रशंसा कर रहा है, यहां तक कि कोई अर्थशास्त्री नहीं कर रहा है, केवल अंधभक्त। अंधभक्त के बारे में बता दूंगा, यहां तक कि बहुत सारे बड़े विद्वान और जो विशेषज्ञ, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है कि ऐसा बजट आज से पहले नहीं आया है जिसमें किसानों को जबरदस्त राहत दी गई है, जो इतिहास में कभी पहले नहीं हो पाया, वो ये पहली बार हुआ है। उसके साथ साथ
और मजदूरों को, जानकारों का जिक्र किया है कि वो बजट को बेहतर बता रहे हैं, एक दो के नाम बता दीजिए। उनमें से कई ऐसे भी जो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसानों को इतनी राहत पहुंचानी थी तो ये कदम अगर एक साल पहले उठा दिया गया होता तो किसानों को इसका बेनिफिट मिल चुका होता। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ कि इतनी व्यवस्थाएं खराब थी 2014 से पहले, जब तो आपने यूपी बॉर्डर पर लाठी चलवा दी, बौछार करवा दी, गोली चलवा दी यूपी बॉर्डर पर किसानों पे। आप बोल लीजिए तो आप ही नहीं, आप अपनी बात क्यों, कांग्रेस को तो सिवा बोलने के सिवा दूसरा काम है नहीं। अब आप बताएंगे भाई, इसके तमाम नेतागण सिवाय बोलने के कोई मुद्दा है? राहुल गांधी नेता है इनके पास के अलावा? बीजेपी राहुल गांधी के उस ऐलान से डर गई जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती से किया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो एक निश्चित आमदनी देश के सभी गरीबों तक पहुंचाएंगे न्यूनतम। देखिए, ये केवल घोषणाएं करते रहे, पूरा देश इस बात को आपकी जानता वो घोषणाएं 2 करोड़ नौकरी, आप इन्हें मौका दे दीजिए, मौका दे दीजिए पहले आपके बात, क्योंकि इनकी यही यही शैली इनकी इन्हें ले डूबी, वो आपके राम वाक्य थे, वो आपके गोल्ड अक्षरों में लिखे भाषण, हिंदुस्तान का भला हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। 67 लाख का कर्जा हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफ करा, इस चैनल पे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिवाय बोलने के और कोई काम नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं। चलिए अब आपको ही सुन ले भाई, धरती पे कुछ नहीं करते आपके, इसीलिए ये हुआ कि कहां 400 सीटें आती सोलंकी साहब, एक और एक पिछले चुनाव में इनका क्या हक रहा है? आप लोगों को नजर नहीं आ रही कि आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो साथ भी छोड़ गए जो पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं किया, क्योंकि ये बातें तो शिवसेना जैसी पार्टी जो कि आप लोगों नहीं, साथ कहां नहीं छोड़ा है? किसने कहा है शिवसेना ने साथ छोड़ा? सर, दो चुनाव तो अकेले लड़ लिए, अभी भी ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ रहे हैं, वह लोकल की बात कुछ और है। देखिए, मैं एक आपको और बात बताऊं कि ये कड़वा सच है, पूरा देश जान गया कि कांग्रेस हो या अदर्स, ये तमाम जो लोगों ने इकट्ठा होने का प्रयास किया इनके नेताओं ने और पार्टियों ने, भाजपा का डर और हार का डर, इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। नहीं। और एक बात और देखिए आप, पूरा देश ये भी देख रहा है कि सिवाय एक ही रट लगाए हुए, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, कोई एजेंडा नहीं, कोई नेता नहीं इनका। और एक चीज और नोट कर लीजिए आप, देखिए आज शायद आपको नया शब्द मैं दूंगा, मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने दोहरा, कि मेरी समझ में तो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता, वो शब्द का उपयोग करना भी मुझे लगता है कि शायद उचित नहीं होगा, आज नहीं तो कल लोग इस बात को मानेंगे समझेंगे। ये तो देशभक्तों की एक भीड़ है जिसने देश के गद्दारों को अब पहचाना है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बड़े सीधे साधे लोग इस देश में रहते हैं, और चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, और उस समझ का ये परिणाम है कि आज ये हालत है कि ये सब एक मंच, सांप भी नौले भी मेंढक भी सब एक मंच पे आ रहे हैं। नहीं तो यही तो सवाल विपक्षी पार्टियां उठाती हैं कि भाषा का संयम होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी दबाव में है, डरी हुई है विपक्षी एकता। देखिए, डर जैसा हम बराबर काम में लगे हुए, हम अपने अपने समय को खर्च करके, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने संसाधनों से पार्टी का देश के लिए काम करते हैं, अब चाहे वो कल का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन रहा हो या हमारे कानपुर का, बाकी जगह देहरादून का रहा हो, हम लोगों में देशभक्ति का जज्बा है, हमारे नेताओं में जज्बा है, इसका प्रमाण है मान्यवर एक अच्छा जी सरकार, इसका प्रमाण पारदर्शिता, पारदर्शिता के नारे लगाने से नहीं चलती है। देखिए, कांग्रेस वादे होते हैं, उन वादों पर कितना खरी उतरती है, फर्क इससे पड़ता है भाई। आप देखिए, इसका परिणाम राफेल का 30,000 करोड़ रुपया, बस झूठ पे झूठ, फिर एक और 60,000 करोड़ रुपया किसान बीमा योजना में अंबानी का, अब जनता इस बात को समझगी कि केवल चले ठीक। लेकिन मनोज यादव जी, जो डर की बात विपक्षी दलों में सोलंकी साहब कह रहे हैं कि डर है, और कहीं ना कहीं जो एक नारा आप लोगों ने दिया कि मोदी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है, ये मैसेज आपको नहीं लग रहा कि आप मुद्दों के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के पीछे एकजुट होना चाहते हैं, ये कहीं बीजेपी के फेवर में क्लिक ना कर जाए? किसने नारा दिया है अक्षय जी? मनोज यादव जी, यादव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, दोबारा से सवाल पूछिए। जी मनोज जी, सवाल यह है कि बीजेपी कह रही कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहती हैं, उनके पास ना कोई एजेंडा है ना कोई विजन है। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए बीजेपी के लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को तो समझा दे रहा हूँ, ये समझ लें, ये हमेशा वो बात करते हैं जो विपक्ष करता है। आप बताइए, सत्ता में बैठा प्रवक्ता, सत्ता में बैठा नेता अगर टीवी पे विपक्ष की भाषा बोले
तो वो खुद एक्सेप्ट कर चुका है बात कि मैं विपक्ष में पहुंच चुका हूं। ये अपने काम की बात नहीं करते हैं, ये अपने आने वाले विजन की बात नहीं करते हैं, ये एक बात कह देते हैं जो इनको सबसे आसान लगती है कि लोग मोदी को हटाना चाहते हैं। कोई मोदी को नहीं हटाना चाहता, आपकी नीतियां नहीं अच्छी हैं, मोदी जी के वादे नहीं पूरे हुए, मोदी जी की बातें नहीं पूरी हुई। तो निश्चित तौर पे जनता है, लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र है नहीं कि मनोज जी, फिर वही जनता ये भी तो जानना चाहेगी ना कि आप लोगों के विजन में क्या चीजें हैं। अगर आपको हम सत्ता सौंपते भी हैं तो आप उन्हें क्या देंगे, इसका एजेंडा तो क्लियर नहीं है जी। सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है वो ये हुआ है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा कम होना चाहिए था। इसी तौर पर बड़ा पॉपुलेशन है, बड़ा जनसंख्या है इस देश में, लेकिन जिस तरीके से नौकरियों का उत्पादन होना चाहिए था नहीं हुआ। लोग बेरोजगारी से जूझते हैं पांच साल और नौकरियां आंकड़े भी आ गए, आपको तो पता है 6.5 तो आप लोगों के आंकड़े नहीं आ रहे ना मनोज यादव जी, आप लोग ये नहीं बता रहे कि अगर 2 करोड़ रोजगार वो नहीं दे पाए तो हम देंगे। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि 15 लाख अगर वो कालाधन नहीं ला पाए और 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए तो हम देंगे, या फिर हमारे पास क्या विजन है। लोग ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि आप हमें क्या देना चाहते हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है। सरकार में इस तरह पंचा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक शब्द पूरा देश नहीं बोल पा रहा है। और देश को क्या मिला, उतनी सब्सिडियां नहीं हुई जितनी इन्होंने प्रचार कर दिया सब्सिडी के लिए। तो सोचिए आप ये देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी जनता गुमराह करने का जो तरीका है उस तरीके से देश को बचाना पड़ेगा। ठीक है विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, आम जनता किस तरह से आकलन किया करती है कि अगर कोई भी सरकार होती है उसके कामकाज का आकलन किस आधार पर होता है, या सिर्फ आरोप लगा देने भर से कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, जनता इन बातों पर यकीन करती है, या फिर अगर उस तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा है तो उसका भी आकलन करती है, कहीं बहकावे में तो नहीं आ जाती जनता। जनता के लिए अगर कोई काम करता है तो उस पे जनता जरूर ध्यान देती है। दूसरी बात अक्षय जी ये है कि ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव है ये 2014 से थोड़ा भिन्न होगा, और 2014 का चुनाव 2009 से बहुत भिन्न था। वजह ये है कि देखिए जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतना ज्यादा तेजी से इसका फैलाव हो रहा है, और हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में व्हाट्सएप है, हर जगह सूचनाएं पहुंच जाती हैं बहुत आसानी से। तो अब जनता को गुमराह करना बहुत ही मुश्किल है। कोई अगर ये कहे कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है और वास्तव में जनता को लग रहा है कि नहीं काम हो रहा चूंकि वो अपने क्षेत्र में देख रहा है लोगों को, तो फिर ये आरोप मिथ्या हो जाते हैं। देखिए जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने कहा, हम लोगों को का भी ये परसेप्शन था कि जीएसटी की वजह से, उसी समय जीएसटी लगा था, जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, और नगर निगमों में नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का करीब करीब सफाया हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों ऐसा नहीं हुआ ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि उसको रोकने के लिए इनमें क्या कमियां रह गई, क्या रणनीति इनकी अधूरी रह गई। दरअसल विपक्ष अगर रणनीति बना के काम करे और अपने अहंकार को थोड़ा छोड़े, विपक्ष के नेताओं में भी बहुत ज्यादा अहंकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका में ही नहीं है, जो संवैधानिक बाध्यता है, विपक्ष को एक संवैधानिक मान्यता है, अन्यथा तो हमारे संविधान निर्माता ऐसा करते कि भाई जो जीत गया उसी का महत्व है, जो हार गया उसको कुछ नहीं देंगे। लेकिन नहीं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह जो लीडर पोजीशन होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा होता है। ठीक, लेकिन अपोजिशन कर क्या रहा है, कितने ऐसे मामले सरकार के खिलाफ उसने जनता के बीच में रखे आरोप लगाने के अलावा। दरअसल विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करना चाहता, आराम तलब विपक्ष है। मैं एक पत्रकार के नाते जो महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष आराम तलब है, विपक्ष बाई डिफॉल्ट जीतना चाहता है, वो चाहता है, उसको लगता है कि जैसे 1980 में कांग्रेस वापस हो गई, 1991 में कांग्रेस वापस हो गई, फिर 2004 में जैसे कांग्रेस वापस हो गई वैसे ही फिर जो है भाजपा हार जाएगी और अपोजिशन आ जाएगी। लेकिन वो भूल गए कि उस समय टेलीफोन भी मुश्किल से मिलते थे और अखबार भी बहुत कम जगह गांव में पहुंच पाते थे। जी जी। लेकिन आज तो हर हाथ में एक अखबार नहीं, आप अगर टाइम्स अमेरिका का कोई अखबार पढ़ना चाहें तो किसी गांव में बैठ के आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। कोई जानकारी आपको वेरीफाई करनी है तो गूगल सहित न जाने कितने ऐसे सर्च इंजन है जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जी। तो इन बातों को विपक्ष अभी समझ नहीं रहा। विपक्ष 10 साल पुराने अपने हथियार में सान चढ़ा रहा है, उनको धार दे रहा है,
वो 10 साल पुराने हथियारों से विपक्ष से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक दूसरा, विपक्ष को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, जो सुविधाएं प्राप्त करते हैं विपक्ष होने के नाते, उसके तहत जनता के हितों में सरकार की उन योजनाओं को बेनकाब करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करें जहां जहां सरकार नाकाम है या जहां सरकार नाकाम होती नजर आ रही है। इनको अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, वहां करें, सड़क पे करें, क्योंकि खुली धरना प्रदर्शन की छूट है, ये रैली करें। लेकिन अगर ये सरकार को घेरते हैं तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। चलिए, रैली का आपने जिक्र किया कि खूब रैली करें और लोगों के बीच में जाए और सरकार की जो नाकामियां हैं वो अगर जनता तक पहुंचाए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है विपक्षी दलों के लिए। लेकिन अजय वर्मा जी, जो रैलियों की बात कही जा रही है, अक्षय जी, जी 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 उपाध्याय जी, देखिए जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जैसे आज योगी के लिए ममता बनर्जी ने रोक लगा दिया कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा। मुझे याद है कि इलाहाबाद से लेकर और मेरठ तक असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों के लिए परमिशन देने के बाद प्रशासन ने कैंसिल कर दिया, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी वापस नहीं आई। तो ये बात समझनी होगी, आप जनतंत्र में, लोकतंत्र में, जब राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ होते हैं, तो इसी पॉइंट पर आने जा रहा था, इसी पॉइंट पर आने जा रहा था, क्योंकि अजय वर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जो मंच पर नजारा देखने को मिला था, उस वक्त लगा कि विपक्ष की जो एकता है वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर इस तरह का जो बिखराव है कि दीदी चाहती है कि कोई दूसरा दल यहाँ पर अपना वर्चस्व ना बढ़ा पाए कि उन्हें नुकसान हो, है ना, वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, आपको अकेले चुनाव में लड़ना है, तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? अक्षय देखो, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत कड़ी ये है कि हर आदमी को अपने विचार रखने का, स्वतंत्रता से रखने का अधिकार है। अब इनका अपना विचार है, अच्छी बात है, उस विचार में से आप कितनी चीजें चुन के अपने फायदे के ले सकते हैं और कितनी चीजें भेक सकते हैं, ये आपका विषय है। बंगाल में जब एक साथ आए, देखिए जुमलेश्वर महादेव को, श्री श्री 1008 जुमलेश्वर महादेव की इस टीम से निपटने के लिए हमको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ रही है कि हम उस रणनीति का अगर खुलासा कर देंगे तो अटैक उसके उसमें सेंधमारी कर लेंगे। ये सारे देश में तय हो चुका है किस तरह से, सारे कहां दिखना है साथ, कहां अकेले दिखना है, कहां अकेले लड़ना है, कहां पर मिला के लड़ना है, कहां गठबंधन से लड़ना है। आप इस पे ना जाइए, कौन क्या कह रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा है। आप जो कह रहे हैं ये क्या रणनीति का हिस्सा है विपक्ष? हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ आडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, लाल कृष्ण की तरह, हमारे ऊपर अघोषित कर्फ्यू नहीं लगा है कि साथ दो ढाई सवा दो लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग मिला के लोकतंत्र की परिपाटी को कायम रखेंगे। हम लोगों का मुद्दा, नोटबंदी के बाद जो देश के लोग मरे हैं, लोग आप समझ रहे हैं, कुछ गोदी चैनल जो है जिनका हमने नाम रख रखा है नमो टीवी, आपका चैनल नहीं है उसमें, वो चैनल केवल झूठ परोसते हैं, ये दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी अभी भयानक रूप तो आया नहीं है, ये डर तो नहीं है जब वोट के रूप में, ये डर तो नहीं है कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला दो। जब वोट के रूप में जनता मतों पर अपना पथ देकर, मुझे ये बताइए कि आज की डेट में अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटें जीत सकते हैं? हम लोगों ने आपको बता दिया कि हम सरकार बनाएंगे मिलाकर, ये तो हवा हवाई बातें हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, कुछ तथ्यों पर बात होनी चाहिए ना। लोगों ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आप कितनी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 75 का दावा तो मनोज यादव जी ने कर दिया। देखिए अक्षय जी, आप ये देखिए 2014 में जनता ने हमें इस लायक नहीं समझा और अपोजिशन में हमको हमारे कह के कि साहब आपकी गलतियां थी, हो गई, झूठे वादे। तो अब उस लायक आपको ऐसा काम था क्या तो मोदी जी ने अपनी सरकार में पूरा करा और उसका उद्घाटन करा। कांग्रेस की कुछ योजनाएं जो अब तक चली आ रही थी, कोई भी ले लीजिए, उनमें तोड़फोड़ समाजवादी की उत्तर प्रदेश में, उन्हीं पे सरकार की होती है, पार्टी की नहीं होती है, उद्घाटन करने चले जाते हैं। अजय वर्मा जी जी, जो योजनाएं वो तो सरकार की होती है, किसी पार्टी की तो नहीं होती है ना। सरकार, ये मोदी साहब से यही तो पूछ लीजिए, वो कहते हैं ये नमो योजना है, ये नमो योजना है, बेरोजगार वाली ये मुद्रा योजना नमो योजना है।
जब वो लोग, हमारी कोई योजना नहीं थी, सरकार की योजना जनता के लिए है। 2019 का विजन हमारा जो मेन है वो हम ये काम नहीं करेंगे कि भाइयों बहनों मित्रों हमें पूर्ण बहुमत दे दो, 100 दिन में अध्यादेश लाके मंदिर बनाएंगे और आपको ठग के वापस 19 में आ जाएंगे। हम जो करेंगे हम जनता के विकास के वादे, रोजगार का जो दर अभी 2.1 थी वो बढ़ के 6 पॉइंट कुछ हो गई है, उसकी आर्थिक असमानता की दर, बॉर्डर पर जो कहते थे कि साहब कश्मीर में हजारों का बजट हम दे रहे हैं, 40 महीने की सरकार में 400 से ज्यादा प्रशिक्षित ऑफिसर मारे गए इस सरकार के गठबंधन में, और सिविलियनों की तो गिनती नहीं है कितने मारे गए। और फिर भी मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे, देश लेकिन तानाशाही कर रहे हैं। आपके सहयोगी या फिर आपकी पार्टी के नेता जब सवाल उठा देते हैं कि सेना की कार्यशैली पर हमारे आदमी पाकिस्तान को लाल सिविलियन मारते हैं, तब एक आतंकी और वहां जाके घुटने टेक के आना, बिरयानी खाना, ये देश के ही प्रधानमंत्री जुमलेश्वर महादेव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चले ठीक, सोलंकी साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जुमलों की इस बौछार के बीच ये जनता समझ चुकी है, ये देश के लोग, ये देश का वो व्यापारी, वो बनिया व्यापारी सामने आना चाहिए ना। अरे आप बताइए, निश्चित आमदनी इस वादे के अलावा, किसानों की कर्ज माफी के वादे के अलावा, ये विजन जनता के सामने आना चाहिए ना कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ विजन हमारे पास है, वो तो दिखाई नहीं देता। हमारा विजन हमारे मैनिफेस्टो में था, महिलाओं को पूर्ण आरक्षण देंगे, हम आयुष्मान जैसी नकली योजना नहीं देंगे जिसमें 25% लोग ही हैं, 75 तो गायब हैं। आज मैं आपको कई उदाहरण बता दूंगा, हम बेरोजगारों को ठगने के लिए 2 करोड़ नौकरी का वादा नहीं करेंगे। हम गरीब किसान और उस गरीब मजदूर व्यापारी जो हिंदुस्तान की रीढ़ है, जो 99% से ज्यादा है, हम उस 1% के साथ नहीं जाएंगे, हम 99% के साथ जनता के बीच जाके मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जिस नहीं है, हमारे पास सरकार बल नहीं है, जिन मुद्दों हमारे पास जनता बल है। ठीक है, जनता बल का दावा सब पार्टियां कर रही है, लेकिन एक मुद्दा जो इन्होंने अभी अजय वर्मा साहब ने कहा कि राम मंदिर की तरह हम बीजेपी की तरह जुमला नहीं करेंगे कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिला तो हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने तो कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर का निर्माण हम कराएंगे, बीजेपी के बस की बात नहीं। ताला किसके टाइम में खुला था? सर वो कोर्ट के आदेश से खुला था। नहीं, किसके टाइम में खुला था? सर कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ेगा ना। गौर कीजिएगा कि अभी तक भी साथियों ने कोई ऐसी वजह नहीं बताई कि वायदे पूरे नहीं हुए। जुमले क्या फसल बीमा योजना जिसका करोड़ों किसानों को लाभ मिला वो एक जुमला है? नहीं, आप क्या खाद, एक पूरा बात पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, पता तो चले 2 करोड़ रुपए क्या खाद की उपलब्धता, और अंबानी ने केवल 30 करोड़ नेट पे पूछ लीजिए, केवल बोलने में महारत है, उन्हें भी अवसर दीजिए। क्या खाद की उपलब्धता देश के किसानों को सुनिश्चित हो जाना ये जुमला है? क्या प्रेस्टिसाइड की सही दामों में सही समय पर उपलब्धता किसानों के लिए, क्या यह जुमला है? सैनिकों के लिए जो वोट हासिल करने के लिए चलते चलते 2014 के शुरुआती दौर में जनवरी फरवरी में मात्र 5 ओआरओपी वन रैक वन पेंशन के बारे में 500 करोड़ की घोषणा करके, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, आज 35,000 करोड़ आंकड़े आपके सामने है। लेकिन लोग उसका वितरण हो चुका है, बारे में तो जानना चाहिए, रोजगार के बारे में, स्वरोजगार दो करोड़ नहीं, 2 करोड़। देखिए 2 करोड़ एजेंसी जो अभी ये सर्वे पीछे आया था, परसों के अखबार में भी दिया था, उन्होंने कहा है कि ये कोई खामोखा की अफवाह है, हमने अभी कोई ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया, हम उसको तैयार कर रहे हैं। तो ये डर है क्या, आंकड़ा जारी नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कोई डर है क्या? नहीं, तिमाही बेस पे वो तैयार कर रहे हैं, जारी हो जाए। आप तो 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। नहीं, तो 5 साल में जब इसकी आवश्यकता, जब विपक्ष मांग रहा है, लोग मांग रहे हैं, तो उसको जारी किया जाएगा सर। लेकिन सरकार में शामिल अगर मंत्री कहते हैं कि जब नौकरियां होंगी तब तो मिलेंगी, देखिए फिर सवाल उठते हैं। नितिन गडकरी साहब का इन्होंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, हम बता दें बस, खाली बोल रहे हैं, सुन लीजिए, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, बोलने के सिवा कोई काम नहीं। देखिए नेतृत्व का जहां तक मामला है, पूरा देश जानता है कि ये सपा एक परिवार की पार्टी है, बसपा एक महिला की पार्टी है, कांग्रेस यानी कि विदेशी सोनिया और राहुल की पार्टी है, बाकी ममता बनर्जी की पार्टी है, यानी कि तमाम पार्टियां, आरोप विपक्षी पार्टियां आप लोगों पर लगाते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नहीं, ये यही तो अफवाहें और झूठ,
झूठ पे झूठ, इन अफवाहों को बल सफेदता है जब आपकी पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सामूहिक विरोधी मंच पर खड़े होकर यह सवाल उठाते हैं। अगर किसी बात से व्यक्तिगत तौर पे सर वो अब तक कैसे बने हुए व्यक्तिगत तौर पे अब तक सांसद बने हुए विपक्षी खेमे में जाकर दहाड़ रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। व्यक्तिगत तौर पे कोई अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी आकांक्षाएं पाल लेता, अपेक्षा पाल लेता। गडकरी साहब ने भी आकांक्षा ज्यादा पाल रखी है, वो कहते हैं जूते पड़ते हैं उसमें जनता जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। कांग्रेस के लिए शब्द हो सकते हैं, सरकार के लिए कहा है, शब्द को कह सकते हैं, लेकिन यही तो मुश्किल है कि कांग्रेस जीरो पे आ गई। ये बात तो सही है, फिर भी ये कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी इनको समझ नहीं आने वाली है। मुझे ये बता दीजिए सोलंकी साहब, मुझे ये बता दीजिए पार कर पाएंगे, मुझे ये बता दीजिए आप लोगों को बीजेपी की जीत पर ज्यादा भरोसा है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा हमारे पास है वो ट्रंप कार्ड की तरह? देखिए ट्रंप कार्ड नहीं है हमारे यहाँ, ट्रंप कार्ड कोई नहीं होता है। एक सामान्य सा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप नहीं, पूरा देश जानता है कि वो बहुत बेहद सामान्य परिवार से हैं। आज भी उनके भाई भतीजे भाभियां बर्तन धोने तक का काम कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं, और इन लोगों के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार को भी देख लीजिए आप कि करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। चले ठीक ठीक, एक फाइनल रिएक्शन में उपाध्याय जी आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि दम तो दोनों पक्षों की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अड़चने दोनों पक्षों की तरफ है। बीजेपी के लिए भी अपने सहयोगियों को साधे रखना जहां चुनौती है, वहीं विपक्षी गठबंधन किस तरह से मजबूत हो, विजन क्या हो, ये भी पिक्चर क्लियर होना बाकी है। हालांकि आपने खुद ही ये स्वीकार किया कि बूथ लेवल पर बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इतने कम समय में विपक्षी पार्टियां क्या मुकाबला करने में तैयार होंगी जब एक चेहरा सामने हो वो भी नरेंद्र मोदी के जैसा, जिस पर कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास आज भी है? देखिए जो समीकरण है वो कुछ अलग है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है जनता के सामने। पहला कि राजनीतिक दल या गठबंधन जो भी यूपीए एनडीए या अलायंस महागठबंधन जो भी बन रहे हैं जो मौजूद हैं इनका इनके इनके दृष्टिकोण क्या है, इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, विजन क्या है इनका, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, कथनी करनी में कितना फर्क है और कितना ये आगे करना चाहते हैं। दूसरा आपका संगठन कितना मजबूत है। तीसरी बात आप दिल खोल के मिल रहे हैं या दिल छुपा के मिल रहे हैं। आज देखिए शिवपाल यादव की जो पार्टी है पीएसपी, तीन कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा लोकसभा सीटों के मैदान में। अब ये जो तीन कैंडिडेट आए हैं रामपुर से आ गए, फिरोजाबाद से आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि यहां से एक अलग किस्म की लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किसके पास जाएगी, किसको फायदा देगी, किसको नुकसान देगी, बाकी पार्टियों के पास जो गठबंधन भी कर चुके हैं उनको उन्होंने अभी बताया नहीं कि हम किन सीटों पे लड़ेंगे। तो जाहिर है कि चीजें बहुत ज्यादा गडमड है, उनको स्पष्ट करने की जरूरत है। चलिए यानी कि ये सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं। अब सर माफी चाहूंगा, आप सभी मेहमान कौन है, ऑलरेडी अपने तय समय से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। गुप्त एजेंडा है इनका, गुप्त एजेंडा मैं एक सेकंड में बताऊं, इनका गुप्त एजेंडा है ये अंत में आके घोषणा करेंगे कि हम परिवार को एक एक कार दे देंगे, हर परिवार को एक एक कोठी दे देंगे। देश की जनता है जो इस बात का आकलन करेगी कि वो किस पर भरोसा करती है। हम जुमले नहीं देते, अभी चुनावी फिजा में घमासान तो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अभी ये दावा जरूर कर रही हैं कि हमारे बगैर सत्ता में आना किसी के लिए आसान नहीं होगा, ये विपक्षी तमाम पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार की योजनाओं के जरिए जनता से फिर एक बार अपील करेंगे कि 2000 जैसा इतिहास एक बार फिर दोहराया जाए। लेकिन गेंद जनता के पाले में ही रहेगी, आम जनता ही तय करेगी कि किसकी बातों में दम है, किसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।